तो ये आपको केज खाली नज़र आ रहा होगा, वो भी खाली नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने सारे चिकन बाहर निकाल दिए। और ये छोटे चूजे हमारे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, सिल्की की वो है ना, ये वाले काफ़ी दिन हो गए मैं इसके पास नहीं आया, तो ये थोड़ी सी डरी डरी है। और इसके साथ की दोस्तों जो दूसरी है वो मर चुकी है, ये देखिए दोस्तों मेरे पास आ गई है लेकिन ये थोड़ी सी डरी हुई है। तो ये देखिए हैवी की हमारी मुर्गियाँ दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बंटी और बबली भी ठीक हैं, और डक्स माशाल्लाह। मेरा दिल है डक्स के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा पक्का हम बना देंगे इंशाल्लाह स्विमिंग पूल जिसमें ये नहाया करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, क्या हाल, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बड़े भी खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुकम्मल गला नहीं ठीक हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है और इसी वजह से 7-8 दिन हो गए हैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह आज से आपको रेगुलरली वीडियो मिलती रहेगी। बीमारी की हालत में नहीं बना सकता था, कफ टफ हो गया था, वीकनेस और गला ख़राब बहुत ज़्यादा था, आज भी गला ठीक नहीं है लेकिन आज आपके साथ ब्लॉग शेयर ज़रूर किया जाएगा इंशाल्लाह। और ये हमारी वो सिल्की की फीमेल है और मेल अनफॉर्चुनेटली हमसे मर चुका है, हो गया तो ये बिल्कुल ठीक है लेकिन वो नहीं रहा। तो ये मुझे जगह साफ़ करके तो जो बर्ड्स हैं ना ऊपर से यहाँ शिफ्ट करने पड़े हैं, क्योंकि एक तो ये ब्रीड नहीं कर रहे थे ऊपर, और जब ऊपर नहीं ब्रीड कर रहे थे तो मैं इनको क्या करता। नीचे वाला हमारे पास ये स्पेस खाली है और ये हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो हमने वाइट ब्लैक टेल का छोटा चिक हम लोगों ने रेस्क्यू किया था अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, उसकी आपको अपडेट देते हैं, वो कितना बड़ा हो चुका है और माशाल्लाह सयाना हो चुका है और टेम हो चुका है हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है दोस्तों। और ये सारी यहाँ से खाने आती हैं दाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों। और ये हमारा टेम हो चुका है, अभी इसको खाना पीना बिल्कुल भी नहीं आता, वरना इतने चेक से हो जाते हैं वो दाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी इसके बाल आ गए और माशाल्लाह इसके पैर भी देखें दोस्तों आ चुके हैं। तो ये माशाल्लाह दोस्तों हमारा टाइम हो चुका है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि थोड़ा सा और बड़ा होगा ना फिर ज़्यादा मज़ा आया करेगा इसका, क्योंकि इसने हमारे पीछे पीछे उड़ के आना है और हमें इसको फीड खिलाना है, मतलब इसके दाने अपने हाथ भी खिलाने हैं और बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत खूबसूरत भी बनेगा क्योंकि इसकी ब्लैक टेल होगी और ज़्यादा डिफरेंट सा हो जाएगा, तो इस पर हम कलर वगैरह करेंगे लेकिन अभी ये छोटा है तो कलर नहीं करने, और इसको जो है अभी बस सिर्फ खाना पिलाना है, तो अभी इसको हम फीड करवाते हैं। और इसका फ्री लैग भी ख़त्म हो गया, मैं फ्री लैग लाया हूँ लेकिन वो तीन फलों वाला मिक्स ले आया हूँ तो उसमें मोटे मोटे ज़रात हैं तो वो स्विंग में जाता ही नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से रात को फीड करवाया इसको, तो आज इसके लिए फ्री लैग दूसरा ले आते हैं तो फिर उसके साथ फीड करवा देंगे। फिलहाल मैं इसको जो है वो जो मेरे पास मिक्स पाउडर वगैरह तो नहीं है, जो बहुत ही मज़े की है वो है हमारे पास टिनी मिनी से चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत एक्टिव है दोस्तों माशाल्लाह, मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रीड है। मेरे पास दोस्तों ये तकरीबन है, ये हैं और मैंने तीनों को पकड़ लिया दोस्तों माशाल्लाह, बहुत क्यूट है और मुझे नहीं पता ये कौन सी नस्ल के हैं दोस्तों, ये तकरीबन हैं तीन ये हैं दोस्तों मेरे पास। और सके तो इनका ये फीड वाला बर्तन है और माशाल्लाह काफ़ी सियाने चेक्स हैं दोस्तों ये, ये दिन भर भूखा ना रहे तो इसका फीड करना बहुत ज़रूरी है। तो इंजेक्शन हमने भर लिया है और अभी इसको हम फीड करवा देंगे और इसमें ये दोस्तों हम इंजेक्ट कर देंगे बहुत ही स्लो स्लो, तो ये एक सिरिंज हो गई है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों ये दूसरी, तो इसने अच्छा फीड कर लिया दोस्तों, इसका देखें आप स्टमक फुल हो गया है और इसको वापस डाल देते हैं इसी केज में ताकि ये आराम से यहाँ पर रह सके। तो शाम में मिलते हैं,
इसका नेम भी रखना है दोस्तों, आप बताइएगा इसका नेम हम क्या रखें। तो दोस्तों सूरज निकल चुका है और अभी हमें तैयारी करनी है अपनी ऑफिस की और बहुत से काम है। तो आज का ब्लॉग तुम काफ़ी दिनों बाद बना रहे थे तो है तो छोटा सा, लेकिन कबूल करिएगा और अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।